हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हम ONGC पेपर का डिस्कशन करते हैं, वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। इन टर्म्स ऑफ पुली डायमीटर, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ एन ओपन व्हील ड्राइव इज गिवन बाय। अब हमारे पास ये चार ऑप्शन है, इनमें का कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है हमें देखना है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ओपन ड्राइव, ओपन बेल्ट क्या रहता है और क्लोज बेल्ट क्या रहता है। तो आइए देखते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव कैसा रहता है। देखिए, एक बड़ी पुल, ये ड्राइवर पुल है और ये ड्रिवन पुल है, और जो भी हमारा बेल्ट है वो कैसा सिंपली ऐसा अटैच है। देखना, जो ओपन बेल्ट ड्राइव में कैसा अटैच है, डायरेक्ट डायरेक्टली अटैच है। वही हमारा क्रॉस बेल्ट में कैसा अटैच है, क्रॉस बेल्ट ऐसा क्रॉस में अटैच है। ओके, तो फिर ये जो हमारी अपर साइड रहती है उसे हम स्लैक साइड कहते हैं। ओके, और जो नीचे वाली साइड है उसे हम टाइट साइड कहते हैं। सिमिलरली फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये वाली साइड हमारी क्या होगी, स्लैक साइड रहेगी, और ये वाली हमारी साइड कैसी रहेगी, टाइट साइड रहेगी। ओके, तो फिर ये ड्रिवन पुली है और ये ड्राइवर पुली है। ओके, तो फिर देखते हैं इसका डिफरेंस, और ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव इनमें का डिफरेंस क्या है। तो पहले वेलोसिटी रेशियो देखते हैं इनमें का क्या रहता है। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, अगर इस पर कुछ नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो इनमें से ही कोई होगा कि डायरेक्शन बताओ, वेलोसिटी रेशियो कैसा बताओ, एप्लीकेशन का यूज करेंगे वो बताओ, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। हाई वेलोसिटी रेशियो रहता है ओपन बेल्ट ड्राइव का, वेलोसिटी रेशियो कैसा रहता है, हाई रहता है। क्रॉस बेल्ट का कैसा रहेगा, कम रहेगा, ऑफकोर्स कम रहेगा। क्यों, क्योंकि जो अटैचमेंट है वो कन्वेंशनल नहीं है, वो कुछ मॉडिफाई करके किया है हमने, इसलिए ये क्या लो वेलोसिटी रेशियो देगा। डायरेक्शन ऑफ ड्रिवन पुली रोटेटेड इन सेम डायरेक्शन एज ड्राइवर ड्राइविंग पुली, यानी अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये भी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। पर क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होगी, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, रोटेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी ड्राइविंग पुली, जो ड्राइविंग पुली है उसके क्या ड्रिवन पुली कैसे कैसे घूमेगी, अपोजिट डायरेक्शन। एप्लीकेशन देखते हैं, कार यूज होता है ओपन बेल्ट ड्राइव सॉ मिल्स में या बग सॉज में। वही हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या कार यूज करते हैं हम, कन्वेयर कन्वेयर्स में, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में। अब सॉ मिल का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो आटा पीसने के लिए जो चक्की यूज करते हैं वहां भी हम ओपन बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। ओके, तो वो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इन आपकी डे टू डे लाइफ में। और ये क्रॉस बेल्ट का यूज करते हैं कन्वेयर्स में, कन्वेयर्स का यूज करते हैं कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कन्वेयर्स यूज करते हैं, वहां पर हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में ये यूज होता है बहुत जगह पर। ठीक है, अब लेंथ जो क्वेश्चन में पूछा है, लेंथ ऑफ ओपन ड्राइव वो कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, एल इज इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2C। अब ये 2C, ये C क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, एक बेल्ट कांस्टेंट रहता है। ओके, प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर अपॉन C। ओके, अब ये रेडियस के टर्म में दिए, अगर यही हमें डायमीटर के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, R1 को तो हम कैसे लिख सकते हैं डायमीटर के टर्म में, D1 अपॉन 2। ओके, और R2 को D2 अपॉन 2। तो फिर हम क्या यहाँ से 2 एक कॉमन ले सकते हैं। ओके, 2 क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, हम यही ऐसा लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 D1 प्लस D2। ओके, D1 प्लस D2 प्लस 2C, 2C तो हमारा कांस्टेंट रहेगा वैसे ही, प्लस अब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करना है। ओके, तो फिर वो क्या होगा, D1 अपॉन 2 माइनस D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो फिर हम लिखते हैं ब्रैकेट में ऐसा, D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर। ओके, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 था तो 2 का भी स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर क्या रहता है, 4, और ये C जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो। तो फिर क्या आएगा हमारा आंसर, π/2 D1 प्लस D2 प्लस 2C प्लस D1 माइनस D2 दी होल स्क्वायर अपॉन 4C। तो ये ऑप्शन कौन से, ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर क्या है हमारा सी, यानी हमारा एक्स है, यही हमारा क्या है, सी है। ओके, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर नेम इज गिवन टू स्पर गियरिंग, अनदर नियम फॉर स्पर गियरिंग। अब स्पर गियरिंग को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ये कैसे दिख रहे हैं आपको, ये टूथ्स हेलिकल इन नेचर है, करेक्ट, हेलिकल इन नेचर, ये टूथ्स जो हमारे है हेलिकल इन नेचर है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, और कि ये हेलिकल गियरिंग है, कैसी गियरिंग है, हेलिकल गियरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ट्राइंग
पिन एफर्ट एंड क्रैंक पिन रेडियस इज नोन एज। अब क्रैंक पिन एफर्ट रहता है, ये हमारा डायनेमिक एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। तो फिर पहले देखते हैं हमारा जो मैकेनिज्म है उसके क्या क्या पार्ट्स थे। ये हमारी फिक्स लिंक हो गई, ये जो है हमारी इसे हम फिक्स लिंक कहेंगे। ये हमारा क्रैंक होता है, ये हमारे क्रैंक है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ओके। ये हमारा पिस्टन रहेगा, पिस्टन, यहाँ पर एक गर्जन पिन रहती है जो पिस्टन को अटैच होती है। ये हमारी क्रैंक पिन रहती है जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को जोड़कर रखती है। ये हमारी बियरिंग रहती है यहाँ पर जो फिक्स रहती है, ओके। एक इनलेट वैल है हमारे पिस्टन का और ये हमारा आउटलेट वैल है जो पिस्टन सिलेंडर है उसका, ओके। तो फिर पूछा क्या हमें, प्रोडक्ट ऑफ क्रैंक पिन एफर्ट एंड क्रैंक पिन रेडियस इज नोन एज। अब इसका ये दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, तो क्रैंक पिन एफर्ट को हम जनरली डिनोट करते हैं एफ टी से, ओके, ये एफ टी से करते हैं। और क्रैंक पिन रेडियस क्या है हमारी, आर, करेक्ट। तो फिर ये आर, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रैंक एफर्ट, क्या कहते हैं इसे हम, क्रैंक एफर्ट। और टॉर्क ऑन क्रैंक, और क्या, टॉर्क ऑन क्रैंक और टर्निंग मोमेंट, मोमेंट ऑन क्रैंक, ओके, ये इसका अल्टरनेटिव नेम्स है, याद रखना। तो फिर ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, क्रैंक एफर्ट, ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर जनरेटेड ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ डीजल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली। अब ये हमारा आईसी इंजन का क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसे हमें याद ही करना पड़ेगा। तो फिर डीजल इंजन के लिए अप्रोक्सीमेट प्रेशर जनरेटर कितना रहता है, वो रहता है हमारा 35 bar, कितना रहता है आंसर, क्या होगा इसका, 35 bar, ये हमें याद रखना है, ओके, 35 bar रहता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडर्न व्हीकल्स कार्बोरेटर्स आर रिप्लेस बाय, कार्बोरेटर्स आर रिप्लेस, आर बीइंग रिप्लेस बाय। अब जो भी हमारे पुराने व्हीकल्स थे जो से 2010 के पहले से जो हमारे नॉर्मल बाय मोटर बाइक्स है उनमें क्या यूज होते थे, जो हर रोज हम यूज करते पैशन को या स्प्लेंडर को या आपके ये हमारे पल्सर हो गए, तो उनमें हम कार्बोरेटर्स यूज करते थे पहले। पर आप क्या, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही आगे, कार्बोरेटर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्टर, ओके, क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्टर। तो कैसा दिखता है फ्यूल इंजेक्टर देखते हैं हम, या ऐसा कुछ दिखता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर, या एक स्पेसर रहता है, यहाँ पर एक एडजस्टेबल स्पिंडल है, क्या है ये हमारा, एडजस्टेबल स्पिंडल, ये स्प्रिंग रहती है, ओके। तो फिर नोजल एक ऐसा नोजल शेप रहता है, जो भी हमारा फ्यूल है वो आता है यहाँ से आता है और फिर इंजेक्ट होता है हमारे जो पिस्टन सिलेंडर है उसमें फ्यूल इंजेक्टर, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रॉटल लोकेटेड इन कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर कैसे दिखता है पहले ये आपको जानना पड़ेगा। इस कार्बोरेटर देखो ऐसा दिखता है, यहाँ से एयर आती है हमारी, यहाँ से एयर आती है इनसाइड, ये हमारा फ्यूल यहाँ से आता है, ये हमारा फ्लोट वाल्व है, ये फ्लोट आर्म है, ये हमारा फ्लोट है, ओके, ये फ्लोट चेंबर है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट चेंबर है। तो फिर यहाँ से फ्यूल आता है और यहाँ से अंदर जाता है, ओके। तो फिर ये हमारा थ्रोटल वाल्व है, थ्रोटल वाल्व किससे कंट्रोल होता है हमारा, थ्रोटल वाल्व किससे कंट्रोल होता है, हमारे एक्सेलरेटर केबल से कंट्रोल होता है, ओके, किससे कंट्रोल होता है, एक्सेलरेटर कंट्रोल से, ओके। तो फिर ये क्या करता है, क्या मैनेज करता है, ये फ्यूल सप्लाई मैनेज करता है, क्या करता है, फ्यूल सप्लाई, जो भी हमारी एयर है वो कौन मैनेज करता है, चोक वाल्व, जो भी हमारा चोक है वो मैनेज करता है एयर को। नॉर्मली कैसा रहता है, चोक ओपन रहता है, हम क्या करते हैं, चोक को क्लोज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तब फ्यूल सप्लाई इंक्रीज करना है। ये हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि कोल्ड सीजन में हम क्या करते हैं, चोक को क्या करते हैं, चोक वाल्व को क्लोज करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्यूल सप्लाई बढ़ाना है जिसके कारण कंबशन जल्द से जल्द हो जाए, ओके। तो फिर ये क्या मैनेज कर रहा है हमारा थ्रॉटल वाल्व, यहाँ पर फ्यूल सप्लाई मैनेज कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, रेगुलेट दी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल मिक्सचर, आंसर क्या होगा, रेगुलेट दी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल मिक्सचर, ओके। तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इन ए कार विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब इन ए कार विल हैव लीस्ट वेटेज। अब लीस्ट वेटेज कौन से बल्ब का होगा, जो हमारा डैशबोर्ड रहता है कार का, उस पर हमें एक ऐसे सिंबल दिखते हैं, ओके। तो फिर ये इमरजेंसी का सिंबल है, ये बैटरी का है, टेम्परेचर का है, ये ब्रेक का है, ये फ्यूल का है, ओके। तो फिर सबसे कम कौन सा वेटेज किसको लगेगा, तो इग्निशन वार्निंग बल्ब जो हमारा है उसको क्या करते हैं, लीस्ट पावर लगती है, क्या होते हैं, लीस्ट पावर इग्निशन वार्निंग बल्ब को,
तो फिर हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, ये आपको याद रखना है, ये भी आईसी इंजन का ही पार्ट है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, एरर विच अफेक्ट्स ऑल मेजरमेंट्स बाय सेम अमाउंट इज डैश। अब ये हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा एरर है जो मेजरमेंट्स को सेम अमाउंट से रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला रीडिंग ऑफ एरर दिया है, कॉन्स्टेंट एरर दे रहा है, जीरो एरर और रैंडम एरर। तो हमारा जो आंसर हो वो है हमारा कॉन्स्टेंट एरर, जो क्या होता है कि हर एक मेजरमेंट को सेम अमाउंट से रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक्चुअल है, एक्चुअल मेजरमेंट से 100 100 mm, तो कॉन्स्टेंट एरर की वजह से क्या होगा, ड्यू टू कॉन्स्टेंट एरर ये क्या होगा, हर टाइम 105 mm आएगा, हर टाइम। ओके हर टाइम 105 आएगा, या फिर 50 mm है तो फिर ये आपको आंसर क्या मिलेगा, 55 mm। ओके कॉन्स्टेंट, ये 5 mm का कॉन्स्टेंट एरर आ रहा है। ओके तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट एरर। तो फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज बाय, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज बाय। अब रैंडम एरर क्यों आते हैं ये हम देखेंगे पहले, और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है उसे भी हम पढ़ेंगे पहले, फिर ये क्वेश्चन पर आते हैं। ओके तो देखते हैं, कॉन्स्टेंट एरर, कॉन्स्टेंट एरर्स आर दोज विच अफेक्ट द रिजल्ट बाय सेम अमाउंट। ओके क्या करते हैं, रिजल्ट को सेम अमाउंट से अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ रीडिंग ऑफ ए थर्मोमीटर व्हेन प्लेस इन मेल्टिंग आइस एट नॉर्मल प्रेशर इज 10 डिग्री सेल्सियस, देन इंस्ट्रूमेंट हैज एन एरर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ओके व्हेन प्लेस इन मेल्टिंग आइस, अब मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर इंस्ट्रूमेंट का क्या एरर होगा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कितना दिखा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो इंस्ट्रूमेंट का एरर क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, रैंडम एरर जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसका, रैंडम एरर इज एरर कॉज बाय इंडिविजुअल हु मेजर्स द क्वांटिटी। अब ये किसकी वजह से होता है, जो मेजर कर रहा है उसकी वजह से होता है। ओके ये हाईलाइट का पॉइंट है, इंडिविजुअल की वजह से। रैंडम एरर डिपेंड्स ऑन क्वालिटीज ऑफ मेजरिंग पर्सन, किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटीज ऑफ मेजरिंग पर्सन पे, ये मेजरिंग पर्सन कैसे कितना ध्यान रख रहा है मेजरमेंट के टाइम पे, उस पर डिपेंड करता है। ओके एंड डिके टेकन इन दी मेजरिंग प्रोसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चांस एरर, इसको और अल्टरनेटिव नेम क्या है, चांस एरर। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रैंडम एरर मेजरमेंट्स आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स। अब ये रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं उसे हम 2 3 बार और लेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे और फिर कहेंगे हाँ बाबा इसकी मेजरमेंट से 102 आई पहली बार, उसके बाद 104 आई, उसके बाद से 103 आई, तो इसका क्या होगा, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने पर हमें क्या मिलेगा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 103 mm। ओके तो फिर ऐसा एवरेज निकालेंगे, फिर वो एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, वेरी क्लोज, जो भी मेजरमेंट है उसके क्लोज देगा, जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना एमएम का स्केल है या कितना एमएम का जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका। ओके तो फिर यही क्वेश्चन में पूछा है हमें, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज बाय, किससे मिनिमाइज करते हैं, टेकिंग एवरेज वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, क्या करते हैं, रिजल्ट की हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर, अब ये कोई एक्स्ट्रा एरर है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर एक रहता है, उसके बाद एक रहता है, ये क्यों रहता है, दिस आर ड्यू टू डिफेक्टिव और वर्न आउट पार्ट्स। आप देख, जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विद एजिंग, एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसके क्या पार्ट्स इरोड करते हैं या वर्न आउट होते हैं, अच्छे से काम नहीं करते, जैसे कि फ्रिक्शन इन बियरिंग, ओके मीटर मूवमेंट में इनकरेक्ट स्प्रिंग टेंशन, जो भी स्प्रिंग है उसका टेंशन इनकरेक्ट है, कैलिब्रेशन नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंटल एरर आते हैं। दिस कैन बी, आप ये कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस और केयरफुल हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। ओके कैसे, प्रॉपर मेंटेनेंस है और केयरफुल हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इसे हम कम कर सकते हैं। दूसरे आते हैं एनवायरमेंटल एरर्स, हियर इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स आर लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन सराउंडिंग सच एज चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन ह्यूमिडिटी। अब एनवायरमेंटल एरर्स क्या, जो भी हमारे सराउंडिंग है उसकी वजह से जो एरर आ रहा है इसको हम एनवायरमेंटल कहेंगे। ये क्यों होता है, टेम्परेचर चेंज के कारण, ह्यूमिडिटी चेंज के कारण, जो भी हो रहा है टेम्परेचर चेंज के कारण कैसे होगा। एग्जाम्पल हमारा जो थर्मोमीटर है, जो अगर एक्चुअल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अगर एनवायरमेंट हॉट है बहुत ज्यादा, तो वो 42 दिखाएगा। ओके तो ये एनवायरमेंटल एरर आप कह सकते हैं। ओके और रीजंस क्या हो सकते हैं इसके, एनवायरमेंटल एरर के, जो भी नेबरिंग जो सराउंडिंग है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकता है, उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ओके
दिस कैन बी रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एयर कंडीशनिंग। क्या करना चाहिए, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो प्रॉपर एयर कंडीशनिंग करनी चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो शील्डिंग प्रॉपर देना चाहिए। अगर वाइब्रेशन हो रहे तो प्रॉपर अर्निंग, सॉरी ये इलेक्ट्रिकल के लिए प्रॉपर अर्निंग, अगर वाइब्रेशन हो रहे तो स्प्रिंग माउंटिंग अच्छे से करनी चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं इन एरर को इरेज करने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर हैव एन एक्यूरेसी ऑफ, अब ये हमें एमएससी का क्वेश्चन ही है, मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इसलिए ये एमक्यूसी या एमएससी का क्वेश्चन है, मेजरमेंट एंड कंट्रोल या मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल का। तो फिर इसका जो हमारा आंसर है वो नॉर्मली देते हैं हम, इसको नॉर्मली आंसर हम लिखते हैं कि ये 5 मिनट्स का रहता है। कितना, 5 मिनट्स। अगर इसको हम डिग्री में लिखेंगे तो वो होगा 1/12 डिग्री। ओके, तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है 1/2, तो फिर ये आप यहाँ पर गलती से ये टिक कर सकते हो, पर ये ऐसा नहीं है, ये हमारा क्या आंसर 1/12 डिग्री। ओके, 1/12 डिग्री इज इक्वल टू 5 मिनट्स। ओके, डिग्री को 1/12 लिखोगे तो 5 मिनट्स होगा, ये 0.5 आएगा इसका आंसर, 0.5 डिग्री नहीं है आंसर। तो फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पर नो ऑप्शन इज करेक्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। इन विच टाइप ऑफ ड्रॉट फैन, इन विच टाइप ऑफ ड्रॉट द फैन इज लोकेटेड नियर बॉटम ऑफ चिमनी। अब इसका आंसर करने के लिए पहले हम देखते हैं कि ये डायग्राम, ये इंड्यूस ड्रॉट सिस्टम है। ओके, और ये हमारी फोर्स ड्रॉट सिस्टम। अब यहाँ पर ये जो ब्लोवर है, ब्लोवर को ही हम फैन बोलते हैं, तो ये ब्लोवर का है, देखो ये हमारी चिमनी है, स्टैक और चिमनी कहते हैं, इसके नीचे ही लगा हुआ है। कौन से सिस्टम है, इंड्यूस ड्रॉट सिस्टम है। तो फिर ये हमारा आंसर हो गया प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। और ये हमारा जो फोर्स ड्रॉट सिस्टम है उसमें कहाँ लगा हुआ रहता है, ब्लोवर या फैन, ग्रेट के पहले, कहाँ रहता है, ग्रेट के पहले, ये याद रखने वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने ये डायग्राम लिखा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। तो फिर यही क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा हमें कि इंड्यूस ड्रॉट सिस्टम में हम यूज करते हैं फैन एट बॉटम ऑफ चिमनी। ओके, फैन को यूज करते हैं एट बॉटम ऑफ चिमनी। ओके, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्स डॉट और इंड्यूस डॉट का डिफरेंस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, एक बार पढ़ लेते हैं हम। फैन और ब्लोवर इज प्लेस बिफोर द ग्रेट, जैसे डायग्राम में दिखा बिफोर द ग्रेट है, बराबर यहाँ पर बिफोर द ग्रेट है, वही हमारा इंड्यूस डॉट सिस्टम में कहाँ पर है, इंड्यूस डॉट सिस्टम में हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा यहाँ पर है इंड्यूस डॉट सिस्टम में, ब्लोवर चिमनी के पहले। द प्रेशर इन साइड द फ्लू गैसेज इज स्लाइटली मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये एक पॉइंट है, प्रेशर इन साइड फ्लू गैसेज इज स्लाइटली मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। दूसरा, इंड्यूस में क्या रहता है, प्रेशर इन साइड फ्लू गैसेज इज स्लाइटली लेस, क्या रहता है, ये लेस रहता है। फैन रिक्वायर्स लेस पावर, यहाँ पर फैन को ज्यादा पावर देते हैं। फ्लो ऑफ फ्लू गैसेज थ्रू बॉयलर इज मोर यूनिफॉर्म, फ्लो ऑफ फ्लू गैसेज थ्रू बॉयलर इज लेस यूनिफॉर्म। ओके, डेंजर ऑफ फायर इन केस ऑफ पीएफ लीकेज ऑफ, इन केस ऑफ लीकेज ऑफ फ्लू गैसेस डेंजर रहता है, इन केस ऑफ फ्लू गैसेस के अगर लीक हो गई तो फायर की डेंजर रहता है फोर्स डॉट में, यहाँ पर ऐसा कुछ डेंजर नहीं रहता, फ्लू गैसेस लीक हो गई तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, यही ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्टीम जनरेटर वाटर इज हीटेड सेंसिबली इन विच रेजिम्स, इन विच पार्ट, रेजिम्स यानी क्या, विच पार्ट, अरे या विच इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब सेंसिबली का मीनिंग क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, सेंसिबली का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, ना कि फेज चेंज। तो फिर ये कहाँ पर होगा, ये ऑपरेटर में क्या होता है, फेज चेंज होता है, जो भी हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहता है या वो क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और वेपर फॉर्म में हो जाता है। सुपर हीटर में भी क्या होता है कि फेज चेंज होता है। ओके, तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, इकोनोमाइजर। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा यहाँ, इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर क्या रहता है ये जान लेते हैं, ये कैसा रहता है, ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर रहता है। क्या होता है ये, ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर विच कैप्चर्स हीट फ्रॉम बॉयलर फ्लू गैसेस, यानी जो हीट फ्लू गैसेस के साथ जा रही है उसको वो कैप्चर कर लेता है और वो हीट इफेक्टिवली यूज करता है, क्यों, कि जो वाटर है उसको हीट कर सके। ओके, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हीट हमें बॉयलर में देनी पड़ती है वो क्या होगी, कम होगी। ओके, तो फिर बॉयलर एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये मैंने एक डायग्राम बताया कि इकोनोमाइजर कहाँ रहता है, टर्बाइन कहाँ रहती है, जनरेटर कह सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट स्टडी कर सकते हैं आपके। व्हाट इज द यूज ऑफ एनालाइजर,
अब एनालाइजर का काम क्या होता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका बहुत जगह आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा, कि आंसर दिया रहेगा टू कंट्रोल अनवांटेड वाटर पार्टिकल फ्लोइंग थ्रू दी इवेपोरेटर, ये जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर है हमारा टू रिमूव दी अनवांटेड वाटर पार्टिकल्स फ्लोइंग थ्रू दी कंडेंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो फिर ये क्यों क्यों कर रहे हैं आप, वाई? अब देखना, अगर वाटर पार्टिकल कंडेंसर से होकर एक्सपांशन वॉल में आ गए, तो फिर एक्सपांशन वॉल में क्या होता है कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या होता है, एक्सपांड होता है और कूल भी होता है, ओके, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो फिर एक्सपांडर में अगर ये वाटर पार्टिकल्स फ्रीज हो गए तो क्या होगा, चोक होगा, ओके, चोक होगा, क्या हमारा जो फ्लो है वो चोक होगा, इस वजह से हम एनालाइजर यूज करते हैं, ओके। तो फिर करेक्ट आंसर हमारा ये है कि टू रिमूव द अनवांटेड वाटर पार्टिकल्स फ्लोइंग टू द कंडेंसर, ये ऑप्शन पता है जो कि रॉन्ग है, जो भी हमारे आंसर किए उसमें ये रॉन्ग आंसर मार्क किया है, ये ध्यान रखिए। इसका आपको प्रूफ चाहिए तो मैं हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, इंडिया में ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो फिर हमें सब पता है कि इंडिया में ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फिलहाल तो कोल है, हम जा रहे हैं नेचुरल गैस ग्रीन एनर्जी की तरफ पर फिलहाल तो हमारा कोल से हमें ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी मिल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पल्वराइजर डिपेंड्स अपॉन, अब इधर अफेक्टिंग रहेगा, अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ पल्वराइजर, अब पल्वराइजर यानी क्या है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कोल की चक्की रहती है, कोल की चक्की और क्रशर को, ओके, कोल क्रशर। तो फिर ये किस पर डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करता है इस चक्की का, कि ग्राइंडेबिलिटी कोल की क्या है उस पर, ओके, कोल की ग्राइंडेबिलिटी क्या है उस पर, मॉइस्चर कितना है कोल में उस पर डिपेंड करता है, फाइननेस ऑफ ग्राइंड नीडेड कितना कितना पिसा हुआ कोल चाहिए आपको उस पर डिपेंड करता है। तो फिर ये सारे ऑप्शन सर करेक्ट, ओके, ऑल ऑप्शन सर करेक्ट, ऑल ऑप्शन सर करेक्ट, ठीक है। तो पल्वराइजर का यही मैंने यहाँ पर लिखा है, पल्वराइजर आर यूज टू पल्वराइज पीसेस ऑफ कोल इंटू फाइन पार्टिकल्स बिफोर प्लेसिंग इंटू बॉयलर टू एंश्योर एफिशियंट कम्बशन, ये भी बताया मैंने फंक्शन क्या होता है, फंक्शन है ये, आप लिख सकते हो आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा है ये डाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैम में फेल ड्यू टू, डैम क्यों फेल हो सकता है? देखो, जो भी हमारा डैम रहता है, डैम ऐसे यूजुअली हम ऐसे बिल्डअप करते हैं, यहाँ पर वाटर बॉडी रहती है हमारी जो भी है वो, तो डैम कब फेल हो सकता है, ये जो वॉल है ये ओवरटर्न कर दी, ओवरटर्न यानी क्या, इसको हम और स्लांट बना दे, ऐसे ऐसे स्लांट बना दे और, ओके, ज्यादा स्लांट बना दे, उसकी वजह से हो सकता है ये, ओके, ऐसा कर दे तो उसकी वजह से ये डैम फेल हो सकता है। दूसरा, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप, अब टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होगी, ये जो वॉल है डैम की उस पर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, क्यों, सॉइल टेंशन के कारण, ये जो सॉइल टेंशन रहता है डैम, जो भी डैम के ग्राउंड लेवल पे जो भी सॉइल रहता है उसके सॉइल टेंशन की वजह से ये टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही है उस पर। एक्सेसिव कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड क्यों रहता है, जो भी कॉन्क्रीट है उसके ऊपर लगाया हुआ है हमने डैम वॉल पे वो, और एज वेल एज ये जो वाटर दे रहा है फोर्स, उसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते हैं। तो फिर डैम कैन बी फेल ड्यू टू ऑल थ्री ऑप्शंस, ओके, ऑल दिस थ्री ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकिन थियरी ऑफ अर्थ प्रेशर, आप अर्थ प्रेशर की थियरी है रैंकिन की, ये दो पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये सिविल से लिया गया है, मैकेनिकल के लिए कॉमन सब्जेक्ट है हमारा एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स, इसलिए पूछा है। तो रैंकिन थियरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज यूज टू डिटरमाइन डैश, क्यों यूज करते हैं, अब ये किसने दिए, अर्थ प्रेशर थियरी रैंकिन जो साइंटिस्ट का नाम है उसने दी थी, इसलिए रैंकिन थियरी कहते हैं। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन रिटेनिंग वॉल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। दूसरा, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन डैम, ये जो हमारा है ये भी सही ऑप्शन है हमारा, ओके, करेक्ट है ये भी,
ये जो ऑप्शन है प्रेशर एग्जर्टेड बाय डैम ऑन रेस्टेड वाटर, ये रॉन्ग है। इसलिए जो मेन रीजन ये है, मेन ये वाला, ये हम सेकेंडरी कह सकते हैं। सेकेंडरी अगर दो ऑप्शंस रहते इसमें कि ए एंड बी, तो आप ए एंड बी सिलेक्ट कर सकते थे, पर या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट ऐसा बताए तो फिर हम करेक्ट कौन सा चूज करें, तो करेक्ट हम वन वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो कि हमारा मेन रीजन है अर्थ प्रेशर थियरी का। क्यों यूज करते हैं? टू मेजर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन द रिटेनिंग वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस एट दी बेस ऑफ चिमनी, अब जो भी हमारी चिमनी है ऐसी रहती है चिमनी जनरल, ओके तो उसके बेस पर, ये हमारा बेस है चिमनी का, ओके तो फिर इस बेस पर, चिमनी के बेस पर स्ट्रेस क्या रहेगा? डायरेक्ट स्ट्रेस क्या रहेगा? वो जो रहेगा स्ट्रेस इज इक्वल टू वेट ऑफ चिमनी, ओके अपॉन एरिया, वेट किसमें? न्यूटन में, और एरिया जो हमारी मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या रहेगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर विद ए पॉइंट लोड एट फ्री एंड, आप कैंटिलीवर कैसा रहता है हमारा, कैंटिलीवर बीम कैसा रहता है हमारा, या ऐसा हमारा कैंटिलीवर बीम रहता है, और क्या बोले वो पॉइंट लोड एट फ्री एंड, ओके तो फिर इसके वजह से जो भी हमारा डिफ्लेक्शन रहेगा, ये हमारा सॉम का क्वेश्चन है। आप इसके बाकी के जो बीम्स है, सिंपल सपोर्ट बीम, ओके फिर ओवरहैंग बीम, इनके लर्न कर सकते हैं डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले, ओके तो फिर इसका जो आंसर आता है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, या ऐसे डिफ्लेक्ट होगा इस लोड के कारण, ओके ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ओके तो फिर ये कितना होगा? डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई, इतना डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई, ये हमारा वेट रहेगा, जो भी ये वेट लग रहा है वो, ये हमारी लेंथ रहेगी, क्या ये हमारा लेंथ, जो ये बीम की लेंथ है वो, ये रहेगा हमारा इलास्टिक कॉन्स्टेंट, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल, ये क्या रहेगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर डब्ल्यू एल क्यूब अपन थ्री आई इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। इन आरसीसी व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन स्टील बार्स प्रोवाइडेड, अब आरसीसी कंस्ट्रक्शन करते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट जो हम कहते हैं आरसीसी, तो इसमें मेन स्टील बार्स मिनिमम नंबर कितनी यूज करते हैं? तो देखिए सर्कुलर के लिए, जो सर्कुलर बार रहता है, ओके सर्कुलर जो आरसीसी कॉलम रहता है उसके लिए हम यूज करते हैं सिक्स, जो ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर रहता है उसके लिए हम यूज करते हैं फोर, और जो हमारा ऑक्टागनल रहता है इसके लिए हम यूज करते हैं एट कॉलम, कितने? एट, तो फिर ये ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ए फ्लूइड इंक्रीजेस इट्स प्रेशर अगेंस्ट कंप्रेशन ट्राइंग टू रिगेन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज, अब ये फ्लूइड इंक्रीजेस प्रेशर अगेंस्ट कंप्रेशन, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है फ्लूइड कंप्रेशन की वजह से, और वो क्या कर रहा है? ओरिजिनल वॉल्यूम रिटेन कर रहा है, जो भी उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है वो रिटेन कर रहा है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, क्या कहते हैं इसे? कंप्रेसिबिलिटी, तो फिर इसका भी आंसर गलत दिया है, इसका आंसर विस्कोसिटी बोला है कि जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द गेज प्रेशर इज कैलकुलेट, आप देखना अब ये जो भी गेज प्रेशर देगा, आप पहले तो देखते हैं हम, ये रहेगा हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर इसे कहो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट वैक्यूम और जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर, ओके ये जीरो होगा, ये 1.013 bar कुछ रहेगा, ये 0 bar रहेगा, और ये कुछ तो रहेगा 4 bar से, 4 bar, तो फिर यहां से जो पूरा मेजर करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? एब्सोल्यूट प्रेशर, ये जो है इस लाइन से इस लाइन तक, इसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, क्या कहते हैं? वैक्यूम प्रेशर, ओके और ये जो ऊपर वाला पार्ट है एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर का, इसे हम कहते हैं गेज प्रेशर, क्या कहते हैं? गेज प्रेशर, ओके अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो सकता है? पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ओके एब्सोल्यूट प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट गेज प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही गेज प्रेशर कहते हैं, उसके नीचे जो है उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, तो गेज प्रेशर को क्या कहेंगे हम?
एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर जी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर ओके प्लस एटीएम सॉरी माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैनोमीटर इज यूज टू मेजर। आप मैनोमीटर क्यों यूज करते हैं एकदम जनरल क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का टू मेजर दी फ्लूइड प्रेशर ओके। विस्कोसिटी के लिए नहीं टेम्परेचर के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। फ्लूइड फ्लो रेट के लिए हम क्या यूज करते हैं बता फ्लूइड फ्लो रेट के लिए क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं वेंचुरीमीटर या ओरिफाइस मीटर ओके। इसके लिए क्या यूज करते हैं वेंचुरीमीटर और ओरिफाइस मीटर ओरिफाइस मीटर ओके। तो फिर यही हमारा मैनोमीटर आर डिवाइसेस इन विच कॉलम्स ऑफ सुटेबल लिक्विड ओके। सुटेबल लिक्विड यानी क्या मर्क्यूरी रहते हैं मोस्टली या फिर कोई और एक फ्लूइड ले लेंगे वो ऑयल का हो या केरोसिन का हो पेट्रोल का कुछ भी इज यूज टू मेजर मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स और बिटवीन ए सर्टेन पॉइंट एंड एटमोसफेयर ओके। मैनोमीटर क्यों यूज करते हैं फ्लूइड प्रेशर के लिए जनरली वही लिखा है मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं When an object falls from a height, its potential energy, आप देखो जब भी energy stored क्या बोलते हैं energy which is stored वो क्या कहते हैं हम potential कहते हैं कि इसमें potential है। जैसे जैसे वो गिरता है नीचे यहाँ पर अगर कहो ये height है कुछ building है okay ये building है ये top पर है ऐसे जैसे ये ball suppose नीचे आ रहा है तो इसका क्या potential energy PE is decreasing बट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ओके। मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वो क्या होगी बढ़ती जाएगी। तो फिर इसका आंसर क्या क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ओके। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फ्लूइड शियर स्ट्रेसेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब जो भी हमारा कर्व रहेगा से ये हमारा एक कर्व है यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करेंगे हम इसे ये स्ट्रेस रहेगी यहाँ पर स्ट्रेस और यहाँ पर रहेगा स्ट्रेन जो भी हमारा है वो ये ऐसा प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो फिर ये किसके लिए कौन से फ्लूइड के लिए रहता है हमने देखा है ये रहता है हमारे न्यूटनियन फ्लूइड के लिए ओके। तो फिर इसका ही और टाइप देखते हैं इस फ्लूइड्स के पहले देखिए ये जो हमारा ए वाला पोर्शन दिख रहा है जो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये हमारा न्यूटनियन फ्लूइड का है बिहेवियर ओके। यहाँ पर हमारी क्या है शियर स्ट्रेस है और यहाँ पर हमारा स्ट्रेन है डी यू बाई डी वाई ओके। तो फिर पहला जो हमारा है वो है न्यूटनियन फ्लूइड जो ए से डिनोट किया है दूसरा हमारा जो डी है डी तो हम डी को क्या कहेंगे आइडल फ्लूइड। तो आइडल फ्लूइड कैसे करते हैं कि उसकी स्ट्रेन सिर्फ बढ़ती जाती है स्ट्रेस नहीं बढ़ता ओके। उसे हम क्या करते हैं आइडल फ्लूइड और जिसका सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है और नो स्ट्रेन उसे हम क्या कहेंगे ई को क्या कहेंगे आइडियल सॉलिड जो कि रिजिड बॉडी रहता है उसका और स्ट्रेन नहीं होता वो उसका शेप नहीं चेंज होता ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं आइडियल सॉलिड यही मैंने बताया बाकी का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डायग्राम की कि ये एफ वाला पार्ट है ओके कि पहले उसका कुछ तो स्ट्रेस रहेगा कुछ स्ट्रेस के बाद वो लीनियर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देता है स्ट्रेन के साथ उसे हम क्या कहते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड ओके बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं इसे। इसका एग्जांपल क्या रहेगा हमारा टूथपेस्ट टूथपेस्ट देखो कैसा रहेगा कुछ उसको पहले फोर्स देते उसके बाद वो फ्लो होना चलते बोल जाते तो उसे हम बिंगम प्लास्टिक में मेजर कर सकते हैं बिंगम प्लास्टिक बोल सकते हैं उसे। तो फिर ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डज द फ्लो सेपरेशन इन फ्लो पास ए सॉलिड ऑब्जेक्ट हैपेंस। अब ये बाउंड्री लेयर का थियरी है बाउंड्री लेयर का जो क्वेश्चन है वो है ये हमें डिप्लोमा में ये नहीं पढ़ाया जाता अगर आपने डिग्री की है तो आपको बाउंड्री लेयर सेपरेशन पता होगा। तो इसका क्यों इसका रीजन क्या है फ्लो सेपरेशन का तो वो फ्लो सेपरेशन का हमारा रीजन होता है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट ओके ये रीजन होता है। इसे ही हम और क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं एडवर्स 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 क्यों
एक वाई वाई इसे हम एडवर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्लो सेपरेशन प्रमोट करता है, फ्लो सेपरेशन प्रमोट करता है, ओके इसलिए हम इसे एडवर्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ए पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट इन्होंने पूछा है हमें, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या रहता है हमारा, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके क्या रहता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, याद रखना है हमें इसका एसआई यूनिट क्या रहता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वही अगर हमारी विस्कोसिटी रहेगी, सिर्फ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसका क्या रहेगा बताओ, पास्कल पर पास्कल इंटू सेकेंड, यानी क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये हमारी विस्कोसिटी का रहता है, ये भी याद रखिए, अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मेनी हीट एक्सचेंजर्स आर देयर इन बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। पहले बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम कैसी दिखती है वो देखते हैं, ऐसी दिखती है हमारी बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहला हीट एक्सचेंजर है और ये जो हमारा है ये हमारा है सेकेंड हीट एक्सचेंजर, ओके। कंप्रेसर कितने हम देखते हैं, ये एक मेन कंप्रेसर है और एक हमारे पास ये सेकेंडरी कंप्रेसर है। सिमिलरली हमारे पास एक ये गैस टर्बाइन है और दूसरी एक कूलिंग टर्बाइन, ओके। एक हमारे पास कंबशन चेंबर है यहाँ पर, और एक हमारे पास क्या है, ये एग्जिट जेट के लिए और एक एयर केबिन है, जो एयर केबिन यानी ये जो ठंडी हो रही है ये कहा जाएगी एरोप्लेन के एयर केबिन में। तो दो दो चीजें है सब, दो हीट एक्सचेंजर है, दो गैस टर्बाइन है, दो टर्बाइन है, कूलिंग है, गैस टर्बाइन है, मेन कंप्रेसर एक है और एक सेकेंड कंप्रेसर है, ओके। कंबशन चेंबर एक ही है, तो फिर हाउ मेनी हीट एक्सचेंजर्स आर देयर इन बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू, मार्क कर लेते हैं हम टू, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो इज, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो इज, तो क्या कहेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो को, आइसेंथैल्पिक फ्लो, ओके यानी क्या एंथैल्पी चेंज नहीं होती, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो में क्या होता है एंथैल्पी चेंज नहीं होती, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ये होगा हमारा करेक्ट आंसर एसेंथैल्पिक फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद डैश ऑफ प्रेशर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम डिक्रीजेस। अब ये मैंने हमारे थर्मल का जो पोर्शन लिया है उसमें प्योर सब्सटेंस करके एक सेशन लिया है मैंने, प्योर सब्सटेंस का, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि प्रेशर के साथ लेटेंट हीट का कैसा रिलेशनशिप है, ये आप वहां पर जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बता ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी रिलेशनशिप है प्रेशर के साथ, ओके। ये ऐसा एक कर्व है हमारा, ओके। तो फिर यहाँ पर ये कर्व देखो, ये जो बीच में जो है इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, ओके। तो फिर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, ये प्रेशर लाइन से ऐसी, जैसे जैसे ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ये प्रेशर लाइन से, ओके। यहाँ पर पी सपोज 5 रहेगा, यहाँ पर 7 रहेगा, यहाँ पर कुछ 10 रहेगा, ओके 100 रहेगा सपोज। तो फिर ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा जा रहा है, ओके। क्या होता है डिक्रीज होते जा रहे, कैसे प्रेशर इंक्रीजेस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम डिक्रीजेस, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इंक्रीजेस, ठीक है। तो फिर इसका ही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है अच्छे से हमारे थर्मोडायनेमिक्स के प्लेलिस्ट में, प्योर सब्सटेंस करके नाम है चैप्टर का, उसमें दिया है, आप देखना जरूर और कमेंट करना उस वीडियो पे कि आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज हीट पंप। अब एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है जो कि हीट पंप जैसे काम करता है, वर्किंग एज हीट पंप, उसका सीओपी हमें निकालना है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये प्रूफ है हमारा एक, जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में बताया अच्छे से कि कैसे प्रूव करते हैं। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप -1, ओके, और इज इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप -1, ओके। ये प्रूफ मैंने बताया इसको हमारे टीडी के थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट, मैकेनिकल की जो प्लेलिस्ट है उसमें, इन मैकेनिकल प्लेलिस्ट, ओके, बताया मैंने ये। और इसको अल्टरनेटिवली कैसे लिख सकते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर +1,
ओके क्या रहती है, सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें क्या पूछा है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर या फिर सीओपी ऑफ पंप, कैसे भी बताना है हमें कि क्या रहती है। तो सीओपी ऑफ पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू सिग्निफाइज, विच प्रोसेस सिग्निफाइज डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं हमारे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके तो फिर ये तो जीरो मान रहे हैं हम, ये जीरो कब होगी, जब चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। ये कब पॉसिबल है, जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ओके प्रोसेस कैसे रहेगी, आइसोथर्मल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम लिख सकते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनल टेम्परेचर अटेंड बाय टू फाइनाइट बॉडी गिव्स वर्क, अब फाइनाइट बॉडी है, एक इंसान है, इंसान रहेगा कोई, और यहाँ पर एक कुछ तो हम हाइपोथेटिकल इंजन मान रहे हैं। ओके या फिर कहिए कि एक हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है और ये इंजन मान रहे हैं, और सिमिलरली और एक ये हॉट बॉडी है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर नहीं है, यह ध्यान में रखना है, हॉट बॉडी है, फाइनाइट बॉडी, इसका कुछ टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, इसका रहेगा कुछ 90 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें का जो फाइनल टेम्परेचर जो अटेंड होगा वो क्या रहेगा, टी वन इंटू टी टू, जो भी टेम्परेचर अटेंड होगा फाइनल टेम्परेचर इन दोनों बॉडी का वो क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी वन इंटू टी टू। ओके तो फिर आप ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए हमें, इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमें पता है कि प्रेशर क्या रहता है हमारा, प्रेशर इज अ पॉइंट फंक्शन है, करेक्ट। हम यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, टेम्परेचर भी यहाँ पर डिफरेंस, ये पी वन रहेगा, ये टी वन रहेगा, यहाँ पर भी ये पी टू रहेगा, टेम्परेचर कुछ टी टू रहेगा, यहाँ पर भी डेंसिटी कुछ अलग हो सकती है, एयर की डेंसिटी कुछ रहेगी, यहाँ पर भी कोई दूसरा फ्लूड रहेगा तो यहाँ पर डेंसिटी कुछ अलग रहेगी। तो ये सब पॉइंट फंक्शन है। ओके और ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज रहते हैं, क्या रहते हैं, प्रॉपर्टीज रहते हैं। और जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम कैसे डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम कैसे रहती है, डिपेंड करती है मास पर, डिपेंड करती है कि कितना है। तो फिर वॉल्यूम हम एक पॉइंट पे नहीं बता सकते, पॉइंट हम क्या एक सिस्टम का बताते हैं, एक सिस्टम का वॉल्यूम बताते हैं, एक पॉइंट का नहीं बता सकते। ओके तो फिर क्या, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन मास, और ये सब कैसे, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ओके इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए आप, जो भी मैं कह रहा हूँ ये नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वेपर इज डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड, देखना वेपर इज कन्वर्टेड टू सॉलिड। ओके सॉलिड से वेपर होता है तो हम क्या कहते हैं उसे, सॉलिड टू वेपर होगा तो हम क्या कहते हैं इसे, इसका आंसर, इसका अगर पूछा ये कौन सी प्रोसेस है, हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन, करेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैम्फर। ओके कैम्फर हम क्या बर्न करते तो क्या सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अगर ये रिवर्स हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एब्लिमेशन, क्या कहेंगे, एब्लिमेशन। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, एब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इन फ्री एक्सपांशन देयर इज नो, अब फ्री एक्सपांशन का फिनोमिना क्या रहता है, ये भी मैंने हमारा मैकेनिकल का जो प्लेलिस्ट है उसमें बताया है कि फ्री एक्सपेंशन कैसे होता है। तो फ्री जनरली देखा ये ऐसी एक ये वॉल रहेगी, ओके यहाँ पर वैक्यूम रहेगा, ओके तो फिर यहाँ पर जो भी, अगर ये हमने वॉल निकाल दी, यहाँ पर जो गैस रहेगा से गैस है, अगर ये वॉल निकाल दी तो फिर ये गैस क्या होगा, यहाँ पर भागेगा। ओके वैक्यूम है, वैक्यूम है तो क्या, अगर वैक्यूम की वजह से क्या है, इसको वर्क नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कुछ प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। ओके तो फिर उसके वजह से क्या होता है कि नो वर्क इज डन, क्यों, क्योंकि पहले से वैक्यूम था, कुछ था ही नहीं पुश करने के लिए, तो वो वर्क कैसे करेगा, बराबर कि नहीं, यह सिर्फ ये वॉल निकाली गई है तो फिर ये कुछ था ही नहीं तो फिर काम कहाँ करेगा, तो फिर नो वर्क इज डन। ओके तो पहला तो पॉइंट है हमारा नो वर्क इज डन। ओके उसके बाद ये जो बाउंड्रीज है वो कैसे रहती है, इंसुलेटेड रहती है और फिक्स रहती है। ओके जो भी हमारी वेसल है उसकी बाउंड्रीज मूव हो रही क्या, नहीं हो रही,
तो फिर दूसरा पार्ट क्या रहेगा, नो मोशन ऑफ बाउंड्रीज, नो मोशन ऑफ बाउंड्रीज, ओके, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है, जो हमने देखा इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे, ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसके बेसिस पे हमने देखा नो वर्क इज डन और नो मोशन ऑफ बाउंड्रीज इज हैपनिंग हियर, तो इन फ्री एक्सपेंशन देर इज नो डैश, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा और मोशन ऑफ बाउंड्रीज भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इज, अब मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, आइस एंड वाटर, अगर आपने ग्लास में आइस और वाटर दोनों डाल दिया तो वो क्या कैसे दिखेंगे, हेटरोजीनियस सिस्टम होगी ना, होमोजीनियस यानी क्या कि मिक्स हो जाते हैं, यानी चेंज नहीं, फिजिकली चेंज नहीं दिख रहा हूँ हमें उनमें, ओके। तो फिर आइस यानी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर हम कह सकते हैं कि वो होमोजीनियस सिस्टम हो रही है, ओके। तो फिर पर आइस, आइस क्यूब दिख रहे हैं आपको, इसका फिजिकल अपीयरेंस है अलग और ये वाटर है, ओके, मिल नहीं रहा, तो फिर ये क्या हो गई, हेट्रोजीनियस सिस्टम, कैसे सिस्टम ये, हेट्रोजीनियस, हेटरोजीनियस सिस्टम, ओके। इसका और एग्जांपल कैसे कह सकते हैं आप, कि ऑयल है, ये ऑयल है कुछ और ये हमारा वाटर है, ओके, दो अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, ओके। तो फिर ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन फाइनल टेम्परेचर ऑफ इज 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन, तो हमारी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या रहती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 - T2 / T1, ओके, ये रहती है। तो फिर अगर ये हमारा 0 हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो फिर हमें क्या मिलेगा, T1 / T2, सॉरी T1 / T1, तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 1, अब हमें परसेंटेज में निकलना है, इंटू 100%, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 100% होगी, यानी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, करेक्ट। तो फिर जैसे जैसे फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, या जैसे 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 डिग्री केल्विन होगा, केल्विन, और 0 डिग्री केल्विन के पास आएगा, वैसे वैसे हमारी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के कैसी होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और मैक्सिमम कहाँ होगी, जब 0 डिग्री केल्विन होगी वहां पर मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो बताना है, तो हाँ ये ट्रू है, ओके, ये हमें जनरली पता है और मैंने डिस्कस भी किया है कि हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको इसका रीजन पता नहीं होगा तो प्लीज हमारी मैकेनिकल की प्लेलिस्ट रेफर कीजिए, इसके लिए बहुत ही अच्छा मैंने बताया, उसमें डिस्कस किया है ये सब, और अगर आपको फिर भी डाउट है कुछ भी पोर्शन का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर ही लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क डन इज 0, अब वर्क डन इज 0 फॉर विच प्रोसेसेस, फ्री एक्सपेंशन के लिए हमने पहले देखा पहले क्वेश्चन में कि इसमें वर्क डन कैसा रहता है, 0 रहता है। थ्रॉटलिंग के लिए, थ्रॉटलिंग में क्या होता है, हमारे वर्क डन 0 रहता है, ओके। थ्रॉटलिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रेशर रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर रिड्यूस करते हैं। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर में भी कैसा रहता है, हमारा वर्क डन 0 रहता है, यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगा तो वर्क डन होगा ही नहीं, तो फिर ये भी 0 रहता है। तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑप्शन सर। आपको कुछ डाउट रहेगा, कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर ONGC एग्जाम, और फिर आगे मिलते हैं, BMC की जो प्लेलिस्ट है वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं, उसमें RSE वाला जो टॉपिक हमें बचा हुआ था वो कंटिन्यू करेंगे आगे वाली वीडियो में। तो फिर स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल और सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। We'll be right back.